अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो का जो हमारा लेक्चर है वो ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर है। ये चीज़ ध्यान में रखें कि ट्रांजिस्टर जो है वो एम्पलीफायर के तौर पे या ओसिलेटर के तौर पे अपने एक्टिव रीजन के दौरान काम करता है। जो लास्ट टाइम हम लोगों ने ये वाला एक्टिव रीजन डिस्कस किया था, इसमें वो एज एन ओसिलेटर एज एन एम्पलीफायर काम करता है। जो एम्पलीफायर है वो एक ऐसा सर्किट होता है जो क्या करता है, करंट, वोल्टेज और पावर के एम्पलीट्यूड को बढ़ा देता है, लेकिन जो इनपुट होता है उसकी शेप को डिस्टर्ब नहीं करता। सपोज ये जो ब्लू कलर का है वो इनपुट है और जो रेड कलर का है वो आउटपुट सिग्नल है। इसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर देता है लेकिन इसकी जो वेव फॉर्म है वो सेम रहती है। मतलब जैसी इनपुट वेव फॉर्म है वैसी ही आपके पास आउटपुट वेव फॉर्म रहेगी। जो एम्पलीफिकेशन का ट्रांजिस्टर बेस्ड सर्किट है वो कुछ इस तरह से है कि ये वाला जो पोर्शन है इतना, ये आपके पास एज इट इज आपके पास जो है ना, जो लास्ट टाइम हम लोगों ने ट्रांजिस्टर एज अ स्विच डिस्कस किया है वही है। बाकी जो है हम लोगों ने एम्पलीफाई जिस चीज को करना है वो, सपोज करें हमारा इनपुट सिग्नल होगा वो हमारा कैमरे का सिग्नल हो सकता है, वो माइक्रोफोन हो सकता है, या सपोज हम लोग जब ड्यूरिंग लेक्चर या किसी जगह पे स्पीच कर रहे होते हैं हमारे कान के साथ माइक्रोफोन लगा होता है, आप ऐसा बोल रहे होते हैं लेकिन जो एम्पलीफायर होता है वो उसकी आवाज को बढ़ाकर लोगों तक पहुंचा रहा होता है। ठीक है। हम लोग कैमरा या माइक्रोफोन एज एन इनपुट प्रोवाइड करेंगे। वी भी आपके पास इनपुट है लेकिन ये आपके पास डीसी इनपुट है जो कि इस ट्रांजिस्टर के साथ यूज हुई हुई है बेस के साथ। इसमें हम लोगों ने यहाँ पे कैपेसिटर यूज किया हुआ है, वो उसका पर्पज ये है कि बास ऐसा होता है कि ये VBB जब यहाँ से इधर फ्लो करता है तो उसके पास दो पाथ होते हैं। अब वो इधर भी फ्लो कर सकता है और इधर भी फ्लो कर सकता है, लेकिन जब वो इधर फ्लो करेगा तो वो क्या कर सकता है, इनपुट सिग्नल को डिस्टर्ब कर सकता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब आपकी मस्जिद का कुछ स्पीकर ऑन होता है तो कंटिन्यूसली बीप सी आती है टोन वगैरह की, तो वो जो वॉइस है वो ड्यू टू दिस डीसी वोल्टेज आ रही होती है, उसको हम लोग कम कर सकते हैं अगर यहाँ पे अगर हम लोग अच्छा कैपेसिटर यूज कर लें तो वो आवाज नहीं आती। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे कैपेसिटर यूज करें ताकि वीबीबी जो है वो इधर फ्लो ना करे, क्योंकि कैपेसिटर क्या करता है वो डीसी को ब्लॉक करता है जबकि एसी को पास होने देता है। सो डेफिनेटली जब वीबीबी यहाँ पे आएगा तो कैपेसिटर उसके लिए क्या होगा, उसको ब्लॉक करेगा। सो वीबीबी आपके पास इसी पाथ में फ्लो करेगा जबकि इनपुट को वो अल्टरनेटिंग होगी तो वो उसको क्या करेगा, कैपेसिटर पास होने देगा। कैपेसिटर का पर्पस आप लोगों को यहाँ पे समझ आ गया होगा। अब होगा क्या कि जब हम लोग एम्पलीफिकेशन डिस्कस करते हैं तो कैपेसिटर के पर्पस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि कैपेसिटर हम लोगों ने क्यों यूज किया, एंड सेम केस हमारे पास यहाँ पे है कि अगेन जब आउटपुट आ रही होगी अल्टरनेटिंग तो जो उसमें डीसी पोर्शन यहाँ पे उसके साथ ऐड हो रहा होगा तो ये कैपेसिटर क्या करेगा, उस डीसी को ब्लॉक कर देगा, जो सिर्फ अल्टरनेटिंग पोर्शन होगा उसको आगे जाने देगा और यहाँ पे आपके पास आउटपुट डिवाइस पड़ी होगी स्पीकर वगैरह। ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जो कैपेसिटर लगा हुआ है वो इस डीसी को ब्लॉक करने के लिए है और यहाँ पे जो कैपेसिटर लगा हुआ है वो इस डीसी को ब्लॉक करने के लिए है। ये डीसी इनपुट को डिस्टर्ब कर सकता है इस वजह से कैपेसिटर लगाया, ये डीसी जो है वीसीसी वो आउटपुट में स्पीकर के को डिस्टर्ब कर सकता है। इस वजह से यहाँ पे कैपेसिटर लगाया वो डीसी को ब्लॉक कर देगा, एसी को एज इट इज पास होने देगा। इसमें क्या होगा कि जब आपके पास इनपुट आउटपुट फंक्शंस ऑफ कैपेसिटर हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, करंट एम्पलीफिकेशन की जो रेशियोज थी वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली, बीटा डीसी वाज इक्वल टू आईसी ओवर आईबी, और लास्ट में मैंने अपने को एक्सप्लेन किया था कि जब आपके पास डायरेक्ट करंट होगा तो देन करंट रेशियोज एज इट इज आ जाएंगे, जबकि आपके पास अल्टरनेटिंग करंट होगा तो देन हम लोग स्मॉल चेंज इन करंट्स का की रेशियो लेंगे। मसलन यहाँ पे अल्टरनेटिंग चेंज हो रहा है तो देन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरम्यान जो करंट की रेशियो डिफरेंस होगा
फिर दूसरे से तीसरे के दरम्यान जो डिफरेंस होगा, तीसरे से चौथे के दरम्यान डिफरेंस की रेशियोज को हम लोग इसी के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। सो करंट एम्प्लीफिकेशन हम लोग यहाँ से मेजर कर सकते हैं। वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन का जो फार्मूला है, एम्प्लीफिकेशन इन वोल्टेज इज इक्वल टू डेल वी नॉट, यानी कि आउटपुट वोल्टेज के अंदर जो चेंज आ रही है डिवाइडेड बाय इनपुट के अंदर जो चेंज आ रही है। अब इनपुट लूप के अंदर हम लोग ये रिलेशन ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं जब हम लोगों ने ट्रांजिस्टर डिस्कस किया था। अगर हम लोग ऊपर यहाँ पे भी देखें तो इनपुट लूप के अंदर वीबीबी प्लस यहाँ पे प्लस टू माइनस जाते हुए लूज करेगा, प्लस टू माइनस जाते हुए लूज करेगा, तो दोनों साइडों पर ये माइनस माइनस वाले जाके प्लस हो जाएंगे। सो यहाँ पे जो रिलेशन आएगा वीबीबी इज इक्वल टू आईबी आरआई, यहाँ पे आरबी भी यूज कर सकते हैं, आरआई भी यूज कर सकते हैं, दोनों एक ही चीज है, प्लस वीबी। अब क्योंकि हम लोगों ने इनपुट के अंदर चूंकि अल्टरनेटिंग है तो हम लोगों ने स्मॉल चेंज को डिस्कस करना है, तो इस वजह से जो इनपुट की वजह से स्मॉल चेंज आएगी तो उसको हम लोग इसके साथ डेल वी बी, डेल आई बी और डेल वी बी ई के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। अब वी बी ई जो है वो चूंकि पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू है एमिटर और बेस के दरमियान, तो वो इनपुट की वजह से फास्ट चेंज नहीं होगी, यानी कि उसकी जो चेंज आएगी वो अराउंड जीरो की इक्वल आएगी। सो इस वजह से हम लोग डेल वी बी को निगलेक्ट कर सकते हैं। सो इनपुट डेल वी बी को हम लोग डेल वी आई कह देते हैं, बिकॉज जो इनपुट के अंदर चेंज आ रही है वो ड्यू टू वी इनपुट आ रही है, तो इस वजह से हम लोगों ने डेल वी बी बी को वी इनपुट ही कह दिया। सो डेल वी आई इज इक्वल टू ये चीज जीरो हो गई, तो डेल आई बी आर आई के इक्वल हो गया। अब सिमिलरली आउटपुट लूप के अंदर हम लोगों ने ये रिलेशन ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ था, वी सी सी इज इक्वल टू आई सी आर सी प्लस वी सी। ठीक है, अब अगेन वी नॉट इज इक्वल टू वी सी सी और वी सी सी माइनस आई सी आर सी। अब जब हम लोग यहाँ पे सर्किट के अंदर देखेंगे तो जो स्मॉल ये जो वी सी सी है वो आपके पास क्या रहेगा, सेम रहेगा, जबकि इनपुट सिग्नल जो है वो कैपेसिटर से जाएगा, यानी कि वी सी सी के अंदर जो चेंज आ रही होगी वो आपके पास जीरो होगी। सो यहाँ पे डेल वी सी सी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और डेल वी नॉट विल बी इक्वल टू माइनस डेल आई सी आर सी की इक्वल आ जाएगा। अब ये डेल वी नॉट और डेल वी आई की वैल्यू हो जब हम लोग ये एम्पलीफिकेशन वोल्टेज वाले फार्मूले में पुट करेंगे तो आपके पास फाइनल रिलेशन जो आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, डेल वी नॉट और यहाँ पे डेल आई सी ओवर डेल आई बी आपके पास बीटा ए सी की इक्वल है, डेल आई सी ओवर डेल आई बी के इक्वल है। सो यहाँ पे हम लोग डेल आई सी ओवर डेल आई बी की जगह पे बीटा ए सी पुट कर देंगे, बाकी आर सी ओवर आर बी या आर आई एक ही चीज है। सो एम्प्लीफिकेशन इन वोल्टेज विल बी इक्वल टू दिस। अब यहाँ पे ये जेन में रखेंगे, देखें एम्पलीफिकेशन के अंदर आर सी और आर आई भी रोल प्ले कर रहे हैं, सो इस वजह से इनकी वैल्यूज भी मैटर करेंगी जब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब ये जो नेगेटिव साइन है ये बेसिकली जो है ना वो शो कर रहा है कि जो इनके दरमियान जो फेज डिफरेंस होगा वो 180 डिग्री का होगा। जैसे यहाँ पे देखें अगर इनपुट कुछ इस तरह से है तो आउटपुट आपके पास कुछ इस तरह से आएगी। अब जो आपके पास ये कॉमन ये सी बी सी सी ई सी ये बेसिकली कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, सी फॉर कॉमन ई फॉर एमिटर, सी फॉर कॉन्फ़िगरेशन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमिटर जो है वो बेटर होती है एज कम्पेयर टू सी बी सी। इसका आंसर आप लोगों ने खुद से नेट से ढूंढना है वो क्यों, उसकी वजह क्या है। सो सिमिलरली पावर एम्प्लीफिकेशन जो है वो पावर एम्प्लीकेशन का फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्प्लीकेशन इन करंट मल्टीप्लाई एम्प्लीकेशन इन द वोल्टेज। जो करंट की एम्प्लीफिकेशन है ए आई दैट इज इक्वल टू करंट के अंदर जो एम्प्लीफिकेशन है बीटा ए सी इज इक्वल टू डेल आई सी ओवर आई, यानी कि करंट एम्प्लीकेशन बेसिकली किस इज इक्वल है, बीटा ए सी के इक्वल है। सो अबव फार्मूले के अंदर यहाँ ए आई की जगह पे क्या आ जाएगा, बीटा ए सी आ जाएगा, और ए वी की जगह पे ये वाली वैल्यू आएगी तो माइनस एज इट इज बीटा ए सी से मल्टीप्लाई होगा, बीटा ए सी स्क्वेयर हो जाएगा। तो आर सी को मैंने आर नॉट से रिप्रेजेंट कर लिया तो इससे फर्क नहीं पड़ता, एक ही चीज है। सो होपफुली आप लोगों को इस चीज की समझ आ गई होगी, अगर कोई मसला होगा तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्रांजिस्टर को एज एन ऑसिलेटर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।